Friends, welcome to my channel. Today I am telling you about B.Ed course first year. Now see, in B.Ed you have to study so many subjects that is related to pedagogy, childhood and growing up, contemporary Indian education, gender and society. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पहले साल में first year में 12 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, जिसमें से बीएड 101 से लेके बीएड 107 तक के जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें आपको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा, जिसमें इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स दोनों होते हैं. और बीएड 108 से 112 तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, जिसके मार्क्स आपके कॉलेज के टीचर्स पे डिपेंड करते हैं जो आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड हैं. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीएड 101, बीएड 102, बीएड 103, बीएड 104, बीएड 105 सबके लिए कॉमन है. सब चाहे कोई मराठी सब्जेक्ट से बीएड कर रहा हो या कोई हिंदी से करना चाहता हो या कोई मैथ से करना चाहता हो, सबको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना ही, सबको ये कॉमन एग्जाम देना ही देना है. बीएड 106 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, इसमें है एनी टू फ्रॉम लिस्ट वन. अब लिस्ट दी गई हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें एक से लेके 13 तक के या 12 तक के सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप उसमें से एक सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर सकते हो 106 के लिए. सेम उसी तरीके से 107 के लिए आपको कोई दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था मैथ और आईसीटी. आईसीटी से रिलेटेड आपको 105 में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहले का ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर रिलेटेड है और मुझे पता था कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ. मुझे इस चीज का फायदा यहाँ पर मिला कि भाई मुझे 105 में भी कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ा और 106 के लिए भी मुझे कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ा. कुछ चीजें 90% चीजें आपको सेम मिलेंगी, कुछ अलग भी होता है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी आधी से ज्यादा प्रिपरेशन हो जाती है, यानी दो सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही बार पढ़ना है. यानी मैंने इनके लिए आईसीटी प्लस मैथ सेलेक्ट किया. यहाँ पे आपको जैसे मैथ में क्वेश्चन पूछा गया 3+4 या एडिशन में, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शंस है, लॉग है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं. लेकिन जो 107 है उसमें आपको पेडागॉजी और स्कूल सब्जेक्ट, यहाँ पे जो आपने दो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसके बेस्ड पे जो पेडागॉजी होती है, यानी बच्चा उसको कैसे समझेगा, आप उसको कैसे समझाओगे, उसका मेंटल लेवल कैसा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे थ्योरेटिकल भी होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो ऑलरेडी आपके बुक्स में दिए गए हैं.